कमेंट लूंगा आपसे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के नुमाइंदा ताहिर जाफरी साहब ने ज्वाइन किया, जरा उनकी तरफ बढ़ते हैं कि आज का दिन फैसलाबाद में इमरान खान साहब का कैसा गुजरा, कहां कहां पर गए, जो खिताब किया उसके बाद वहां पर माहौल क्या देखा, कितना खुश है फैसलाबाद के शहरी इस बड़े प्रोग्राम का इजरा आज जो फैसलाबाद है। ताहिर साहब प्लीज बताइएगा आज का दिन फैसलाबाद वालों के लिए कैसा रहा। शेब ये तो बहुत एक अहम फैसलाबाद डिवीजन के लिए बहुत बड़ा काम था। ये एक फ्लैगशिप मनसूबा है जो किसी तौर पर जो चेंज मतलब ये जो है तकदीर बदलेगा लोगों की। इमरान खान ने ये अपना उसी तकरीर में ये कहा कि ये पहले हो जाना चाहिए था, माजी में नहीं हुआ, लेकिन खैर उन्होंने कहा कि अब ऐसे ही मनसूबे जो कि लोगों की तकदीर बदलेंगे और जिससे रियासत मदीना की जाने पाकिस्तान गामजन होगा, ऐसे ही मनसूबे होंगे। इमरान खान ने बहुत ही अपना एक अहम मीटिंग भी की वहाँ पर, लेकिन जो जिसका हमने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो हमने खास किया अलाइड अस्पताल में, कार्डियोलॉजी अस्पताल में, दीगर अस्पताल में फैसलाबाद से इस दिन पर जो हमने कवरेज की, उसमें ये देखा कि कई खवातीन और कई अफराद जो वहाँ पे थे जो जिनका अस्पताल के जरिए इलाज हो रहा था, जिनमें कमियाँ बीबी खातून थी जिनके हस्बैंड रिक्शा ड्राइवर है, उनके हस्बैंड की स्टेंटिंग हुई कार्डियोलॉजी अस्पताल में, जो कि आपको आप समझते हैं फिर बहुत एक बहुत ही एक्सपेंसिव जो है वो कार है और बहुत महंगा है, और वो कार के जरिए यहाँ पे उनकी स्टैंडिंग की गई। वो खातून बहुत खुश थी, उनसे हमने इंटरव्यू किया, वो मतलब शी वॉज लिटरली बस्ट आउट, वो मतलब वो खुशी के आंसू थे उनके जब वो वाइल्ड शी वॉज बींग इंटरव्यूड। इसी तरह एक अतलान साहब थे, उनके फादर की बिनाई का ऑपरेशन लाइट अस्पताल में हुआ, और ये वो सिलसिला है कि जो कि अब जिससे हकीकी तौर पर अब ये जो गेम चेंज होने जा रही है मुस्तकीन की, जो लोग इलाज के लिए अपना सहूलियात के लिए नहीं अस्पतालों तक जा सकते थे, वो ना सिर्फ सरकारी अस्पतालों में बल्कि जो पैनल से बड़े बड़े अस्पताल हैं, अब आप कराची में देख लें, इस्लामाबाद में देख लें, लाहौर में बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं जो कि इस फ्लैगशिप मनसूबे के पैनल पर है, जहाँ पर लोग जाते हैं और उनको ना सिर्फ इलाज होता है, क्वालिटी जो है मेयारी उनको सीधी सहूलियात फराहम की जाती है। और ये एक सिलसिला जो है अब पंजाब के 73% आबादी को कवर कर चुका है, अब आने वाले दिनों में ये जो ये इसका फैलाव जो है पूरे पंजाब तक कर दिया जाएगा। और ये अभी आप बता रहे थे खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, सरपालगंज, बल्तिस्तान में भी है, आजाद जम्मू कश्मीर में भी है, बिल्कुल सिलसिला पंजाब के बाद ये फैलता जाएगा। और ये जैसे इमरान खान का कहना था कि ये ऐसे ही जो है किसी मनसूबे जो है उनको जारी किया जाएगा, इसमें सभी इलाज भी है जिसमें मराज़े कल्ब है, डायबिटीज है, हाथ साथी, और इसमें कुछ सेकेंडरी इलाज भी है जो बस आपको पता दौरान जिसकी कई खवातीन की डेथ हो जाती थी और वो इलाज मुआवजा नहीं करवा सकती थी, वो इस कार्ड के जरिए अब वो ना सिर्फ मियारी इलाज करवा सकेंगे बल्कि उसमें बिल्कुल एक रुपया भी उनको नहीं देना होगा। और ये जो क्लियरली जो गवर्नमेंट की तरफ से ये बताया गया कि ये अवाम के टैक्स के पैसे हैं जो कि पहले बिल्कुल ऐसा ही है, अवाम के टैक्स के पैसे हैं और अवाम पर लगाए जा रहे हैं। पहली बार इस तरह का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है कि अब अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई जाएगा वो धड़ल्ले से वॉलेट निकालेगा और यूं करके इस कार्ड को निकाल के रखेगा डेस्क पर, इससे करो मेरा इलाज और इलाज मुफ्त होगा उसका। थैंक यू सो मच ताहिर जाफरी साथ मौजूद थे।